मेरे साथियों, आज हम हरियाणा अषट जो 18 या 19 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ था, जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक्स रहती थी उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों का बायोमेट्रिक नहीं हुई है उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दोबारा अवसर दिया गया है कि वो अपने अषट के बायोमेट्रिक दोबारा स्थापित किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा पात्रता परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक स्थापित प्रक्रिया को पूर्ण का तीसरा व अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। अनुपस्थित रहे छात्र या अभ्यर्थी 22 से 24 मार्च 2022 के मध्य सुबह 9 बजे से साय 5 बजे तक बोर्ड के मुख्यालय में उपस्थित होकर अपनी IRIS बायोमेट्रिक स्थापित सत्यापन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर जगवीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार ने बताया, हरियाणा पात्रता परीक्षा 2021 जो परीक्षा स्थापित की गई थी उस परीक्षा 18 व 19 दिसंबर 2021 को कराई गई थी, उसका परिणाम 28 जनवरी घोषित 2022 को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों को 20 से 23 जनवरी के मध्य व 4 से 6 फरवरी के मध्य 2022 के IRIS बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। जिन अभ्यर्थियों की स्थिति में IRIS बायोमेट्रिक स्थापन पूर्ण नहीं की गई उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों का ये अवसर रहता है वह अपनी बायोमेट्रिक 22 मार्च से 24 मार्च के मध्य अपने सुबह 9 बजे से साय 5 बजे तक बोर्ड के मुख्यालय में अपना बायोमेट्रिक स्थापित कर सकते हैं, सत्यापन करवा सकते हैं और ये अषट की बायोमेट्रिक का अंतिम मौका है। जो साथी रहते हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ दिसंबर 2021 के, वह साथी अपना बायोमेट्रिक करवाएं और इस जानकारी को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।